फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं हॉक मॉथ और पिकॉक का मिराकुलस। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं हॉक मॉथ का मिराकुलस। तो उसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, एक छोटी साइज़ की सेफ्टी पिन, सिज़र, टेप, क्ले एंड स्केच पेन ऑफ पर्पल कलर। इनके भी पर्पल कलर की ही चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ये कार्डबोर्ड का पीस और इस पर एक छोटी सी ओवर शेप ड्रॉ करके उसे काट लेंगे। तो चलिए जल्दी सी काटते हैं। तो अब हमने इसमें छोटा सा ओवल शेप भी काट लिया है। मैं आपको बता देती हूँ इस ओवल शेप का यूज़ क्या है। ये जो उसका पर्पल कलर का एरिया होता है ना बीच में, उसके नीचे का सरफेस बनेगा जिस पे हमारी ये सेफ्टी पिन लगेगी। तो अब हम पहले इसमें एक कट यहाँ और एक यहाँ लगा लेते हैं जिसमें हम सेफ्टी पिन लगाएंगे। अब हमने इसमें ये दोनों साइड कट्स लगा लिए हैं। अब हम इसे थोड़ा ऐसे पुश करके यहाँ से थोड़ा होल सा हो जाएगा तो इसमें ये सेफ्टी पिन घुसाने वाले हैं। तो चलिए मैं घुसा देती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें सेफ्टी पिन लगा लिया। अब ये आसानी से तो इसमें से नहीं निकलेगी। अब कोई निकालना चाहे तो वो तो आराम से निकाल ही लेगा, वरना वैसे तो ये नहीं निकलेगी। तो अब हम इसके ऊपर का बेस बनाने की तैयारी करते हैं। उसका सरफेस बनाने के लिए हम लेंगे पर्पल कलर की क्ले। अब हम इस क्ले को सेम इस ओवल शेप के साइज़ देंगे। तो अब मैंने इस पे थोड़ा कलर भी कर दिया है और इसे अच्छे से इस सरफेस पे टेप से चिपका दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे। ये देखिए मैंने टेप लगा दी है जिसे मैंने इस पे पर्पल कलर ही किया है। अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे साइड में और अब हम इस पे विंग्स पे काम करना शुरू करेंगे। इसके लिए हम लेंगे एक कार्डबोर्ड का पीस और उस पर हम विंग्स की ड्राइंग ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो मैंने वो विंग कट कर लिया है। अब हम इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑरेंज स्केच पेन से कुछ ऐसी और फिर उसे कलर कर देंगे तो वो बन जाएगा कुछ ऐसा। तो चलिए इसे तैयार करते हैं। तो मैंने इसे कलर करके तैयार कर लिया है और ऐसे मैंने चार विंग्स बनाए हैं जिन्हें हम अपने इसके ऊपर लगाने वाले हैं। ये जो मेरी क्ले है ये थोड़ी देर में बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। तो इसके बिल्कुल ही हार्ड होने से पहले हम इन विंग्स को इनके एक्स्ट्रा पार्ट को इसमें लगाने वाले हैं। अब हमारा हॉक मॉथ का मिराकुलस तैयार है और इसे हम इस सेफ्टी पिन की वजह से पहन भी सकते हैं। तो अब इसे रख देते हैं साइड में और बढ़ते हैं पिकॉक मिराकुलस की तरफ। तो पिकॉक का मिराकुलस बनाने के लिए हमें चाहिए ये सब सामान: कार्डबोर्ड, ब्लू कलर की क्ले, ब्लू स्केच पेन एंड अ पेंसिल। सो लेट्स स्टार्ट। सॉरी, एंड अ सेफ्टी पेन। Now first we will draw a diagram of peacock feather on the cardboard. Now I have drawn the feathers of a peacock and I am going to cut it. अब मैंने इस शेप को काट लिया है। अब मैं इस पर जो इसकी लाइन्स हैं उन्हें डार्क करने वाली हूँ ब्लू कलर से। Now I have colored and marked the lines and make a little peacock here. Now I have cut it some small circles of the blue clay and going to paste on the peacock miraculous here. And now मैंने इस पर ये भी लगा दिया है और इसके ऊपर थोड़े से वाइट डॉट्स भी लगा दिए हैं। अब हम इसके पीछे का करेंगे। सो अब हम इसके बेस के लिए लेंगे एक छोटा सा पीस और इसमें यहाँ दो कट लगाएंगे जैसे हमने हॉक मॉथ के मिराकुलस में लगाए थे। मैंने इसमें कट्स लगा दिए हैं और अब हम इसमें भी
जैसे हमने हॉकमॉथ की मिराकुलस में घाली थी पिन, वैसे ही पिन लगाने वाले हैं। हमने इसमें पिन लगा ली है और अब हम इसे हमारे पिकॉक के मिराकुलस के पीछे लगाने वाले हैं ताकि हम इसे आराम से लगा पाएँ। तो चलिए ग्लू की मदद से इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और थोड़ी सी टेप भी लगा दी है इसकी और स्ट्रांगनेस के लिए। तो अब हम इन्हें एक बार लगा के देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमने इसे लगा के देखा है तो ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। स्ट्रांग भी है क्योंकि ये कार्डबोर्ड का बना हुआ है और वैसे भी देखने में अच्छा लग रहा है। तो अब हम एक बार हॉकमॉथ मिराकुलस को भी ट्राई कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द मिराकुलस ऑफ हॉकमॉथ नूरू डार्कविंग राइस। सो फ्रेंड्स, मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लगे। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा।